मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जहांगीर आपका स्वागत करता हूं आज हम देखेंगे अमाल कमिशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अमाल कमीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था लास्ट वीडियोस में देखा था आपने कि अमाल कमेशन में कितने मेथड है और परचेज कंस्ट्यूशन में कितने मेथड है अमाल कमीशन के दो मेथड देखे थे नेट मर्जर मेथड और परचेज मेथड नेट परचेस कंस्ट्यूशन में दो मेथड देखे थे नेट एसेट्स मेथड और पेमेंट मेथड ओके तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे आप क्या करोगे अकाउंटिंग करोगे किसकी अमाल कमीशन की कॉरपोरेट में जब अमाल कमीशन का चैप्टर बहुत अहम रोल अदा करता है अमाल कमीशन मोस्टली एग्जाम में आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आपको आता है तो लगभग हर क्वेश्चन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है बस क्वेश्चन में ये पता करना होता है वेंडर कौन है और बायर कौन है वेंडर की बुक में सेम ट्रीटमेंट बायर की बुक में सेम ट्रीटमेंट अगर इन द बुक्स ऑफ वेंडर इन द बुक्स ऑफ वेंडर या जिसे आप कहते हो सेलर वही सेलर जो अपना बिजनेस सेल कर रहा है उसकी बुक में आपको अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले वही बैलेंस शीट को खत्म कर दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पहला स्टेप आपको कुछ स्टेप बताए जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कि क्लोज द बैलेंस शीट क्या कर लो वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट को क्लोज कर लो आधा काम आपका वैसे ही हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट स्टेप क्लोज द बैलेंस शीट बैलेंस शीट क्लोज कर लो आधा काम आपका वैसे ही हो जाएगा कि भाई बैलेंस शीट कैसे क्लोज होगी कि भाई देखो बैलेंस शीट ऐसे क्लोज होगी आपकी जो बैलेंस शीट होती है हर मैं आपको शो कर देता हूं ताकि जल्दी समझ आएगा. में आएगा बैलेंस शीट में इधर होती है आपके ऑल एसेट्स होती है ना बैलेंस शीट में होती है आपके ऑल एसेट्स बैलेंस शीट खत्म करनी है एसेट्स का है डेबिट बैलेंस एसेट्स का डेबिट बैलेंस है इसको अगर क्लोज करनी है तो इसे करना है क्रेडिट इसे करना है क्रेडिट तो डेबिट किसको करेंगे तो एसेट्स को कर देंगे क्रेडिट और डेबिट करेंगे रियलाइजेशन को क्योंकि वेंडर की बुक को क्लोज करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट और उस अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे फर्स्ट एंट्री करेंगे यहां पे ऑल एसेट्स ट्रांसफर कर दी जाएगी ऑल एसेट्स ट्रांसफर होगी एंट्री होगी एंट्री क्या होगी एसेट्स को क्रेडिट करना है आपको तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू

क्रेडिट बैलेंस इसका क्रेडिट बैलेंस होता है अगर इसे ख़त्म करनी है तो किधर करेंगे डेबिट में ख़त्म होगी ये क्लोज करनी है ना आपको क्रेडिट बैलेंस इसका होता है इसको ख़त्म करने के लिए इसको डेबिट करना होगा और क्रेडिट किसको करेंगे एसेट्स में क्या किया था रियलाइजेशन तो यहां पे भी क्या करेंगे रियलाइजेशन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप में बैलेंस शीट क्लोज करने में दूसरी एंट्री क्या होगी ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफ़र ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी ऑल लाइबिलिटी कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगी एंट्री क्या होगी लाइबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस होता है खत्म करना है डेबिट करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ये दो एंट्री से आपकी टोटल एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटी खत्म हो गई है अब देखो बैलेंस शीट में और क्या बच जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल बच जाएगा शेयर कैपिटल बच जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस बच जाएंगे ये तीन चीज़ और रह जाएगी क्या क्या इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये तीन चीज रह जाएगा शेयर कैपिटल प्रिफरें शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना ना खत्म करना ना बैलेंस शीट शेयर कैपिटल को भेज दो शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल को भेज दो इक्विटी शेयर होल्डर में और रिजर्व सरप्लस इसको भी कहाँ पहुँचा देंगे इक्विटी शेयर होल्डर में इन्हें पहुँचा देंगे इनके होल्डर के अकाउंट में शेयर कैपिटल प्रिफरेंस शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर में तो एंट्री क्या होगी देखिए एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है खत्म करना है डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट सरप्लस या पेंडल अकाउंट डेबिट किसमें अभी बताया था इक्विटी शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगी प्रिफरेंस शेयर होल्डर में प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगी प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर में ये आपने भाई फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने स्टेप फर्स्ट बताया था क्लोज द बैलेंस शीट आपने क्लोज कर ली बैलेंस शीट किस तरीके से की कि भाई इस तरीके से की एस एस को रियलाइजेशन में भेज दिया आउटसाइड लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में भेज दिया इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर में रिजर्व सरप्लस को इक्विटी शेयर होल्डर में ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया अब क्या करेंगे स्टेप सेकंड फॉलो करेंगे स्टेप सेकंड पीसी ड्यू करेंगे स्टेप सेकंड क्या है आपका स्टेप सेकंड है स्टेप सेकंड पीसी ड्यू और रिसीव करेंगे परचेज कंसिड्रेशन ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे तो ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी एंट्री होगी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू देखो ध्यान से देखो परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन पीसी ड्यू करने की एंट्री है ये फिर सेकेंड एंट्री पीसी रिसीव करेंगे पीसी रिसीव करेंगे आएंगे ना क्या आएगा बैंक आ सकता है बैंक अकाउंट डेबिट और क्या आ सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीफरेंस शेयर आ सकते हैं नई कंपनी से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहे हैं भाई परचेजिंग कंपनी से आ रहे हैं है ना तो टू परचेजिंग कंपनी पीसी ड्यू किया तो एंट्री की परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन पीसी रिसीव किया तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट क्या क्या आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी ये पी ड्यू किया और रिसीव किया ये आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है फर्स्ट स्टेप में आपने बैलेंस शीट खत्म की सेकंड स्टेप में आपने पी ड्यू किया और रिसीव किया स्टेप थ्री स्टेप थ्री अब क्या करोगे साहब आप अब आप करोगे रियलाइजेशन का बैलेंस चेक करोगे कि डेबिट आपने कितना किया और क्रेडिट कितना किया डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस चेक करोगे और डिफरेंस जो निकलेगा वो पहुंचा देंगे इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में रियलाइजेशन का डिफरेंस जो आपने निकाला है वो किस में पहुंचा देंगे साहब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में पहुंचा देंगे रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर में ये तो स्टेप थ्री था अब स्टेप फोर तीन स्टेप हो गए बैलेंस शीट खत्म हो गई फर्स्ट स्टेप में सेकेंड स्टेप में पीसी ड्यू किया और रिसीव कर लिया थर्ड स्टेप में रियलाइजेशन का बैलेंस भी चेक कर लिया अब क्या करेंगे कि अब कुछ नहीं करना होल्डर को पेमेंट कर दो बस क्या करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये होल्डर को आप पेमेंट कर दोगे कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर भी था प्रिफरेंस शेयर होल्डर था ना प्रिफरेंस शेयर होल्डर भी था तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू आ, क्या देंगे उनको प्रिफरेंश कैपिटल देंगे उनको क्या देंगे प्रिफरेंश शेयर कैपिटल ऑफ न्यू कंपनी नई कंपनी से जो आएंगे वो होल्डर को पेमेंट कर देंगे कि ये चार स्टेप है इन चार स्टेप में आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा ये तो है <coughs> सॉरी ये तो है इन द बुक्स ऑफ वेंडर अगर वायर है कौन है किसकी बुक में इन द बुक्स ऑफ बायर बायर की पुस्तकों में अगर प्रविष्टियां करनी है एंट्रीस करनी है इन द बुक्स ऑफ बायर तो आपको दो एंट्री करनी है नॉर्मली एसेट्स और लाइबिलिटी टेकन ओवर ये लेने की ये आएंगे ना एसेट्स आ रही है पुरानी कंपनी नई कंपनी पुरानी कंपनी से एसेट्स ले रही है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट जो भी आ रही है जिस वैल्यू पर आ रही है उस वैल्यू पर लेंगे टू सन्डरी लाइबिलिटीज और टू वेंडर पेमेंट क्या लिखेंगे यहां पर पीसी का पेमेंट लिखेंगे जो एसेट आई वो डेबिट जो लाइबिलिटी आई वो क्रेडिट टू वेंडर पीसी अब देखेंगे कि भाई जगह ऊपर खाली बस्ती है या नीचे बस्ती है अगर जगह ऊपर रह रही है तो गुडविल आएगी ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर से बुक में अगर दीवी भी है तो नहीं लिखेंगे डीवी भी है तो नहीं लिखेंगे गुडविल आएगी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से अगर ऊपर जगह बचती है तो गुडविल और यहाँ पे जगह नहीं बच रही है अगर जगह नीचे बचती है तो आएगी क्या आएगा आपके पास कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर से दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व दोनों में एक साथ जगह नहीं रह सकती या तो ऊपर जगह रहेगी या जगह रहेगी नीचे फर्स्ट एंट्री खत्म एसेट्स टू लाइबिलिटी टू वेंडर जगह जिधर बसती उधर गुडविल और रिजर्व रख देंगे सेकेंड एंट्री फर्स्ट एंट्री आपने ये की है सेकेंड एंट्री करेंगे कि पैसा ड्यू हो गया पैसा दे देंगे वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसको क्या क्या दिया कि बस उसको बैंक दिया न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड किए प्रिफ्रें शेयर कैपिटल प्रोवाइड किए ये ट्रीटमेंट आपको करना है साहब वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विशिया कैपिटल टू प्रिफेंशियर कैपिटल और ये दो एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ बायर खरीदने वाले यही करेगा एसेट्स खरीद लेगा वेंडर को पेमेंट दे देगा और अगर कोई भी खर्चे का पेमेंट करता है तो खर्चे के पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक वो भी कर देंगे यहाँ पर यह आपको ट्रीटमेंट करना है इन द बुक्स ऑफ बायर वेंडर की एंट्रीज देखी थी चार स्टेप में ख़त्म करना था बायर की बुक में दो एंट्री करनी है आपको और यही ट्रीटमेंट क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इसी तरीके से अमाल गमेशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा